बरेली जैसे जैसे निकाय चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही पार्षद प्रत्याशियों ने जनता के बीच जाकर मीठी मीठी बातें कर जनता का दिल जीतने में लगे हुए हैं। मगर एक पार्षद प्रत्याशी वार्ड संख्या 73 गोविंदपुर में ऐसा भी है जो जनता के वादों पर काम करके दिखाने का दम रखता है। ऐसा ही नाम है शुभान खान का। उन्होंने कहा कि मेरा सबसे पहला काम क्षेत्र की गलियों में पक्की सड़क बनवाना, साफ सफाई करवाना, पक्की नालियां बनवाना और सरकारी योजनाएं जो कि कोई पार्षद नहीं ला पाया अपने क्षेत्र की जनता के बीच लाने का काम करूंगा। शुभान खान ने बताया कि आजादी से लेकर आज तक हमारे गांव का पार्षद नहीं बना है और हमारा गाँव बहुत ही पिछड़ा हुआ है। गाँव में कोई विकास नहीं है, नाली खरंजा लाइट का बुरा हाल है। मैं अपने गाँव की जनता से कहना चाहूंगा कि अपने गाँव का ही पार्षद चुने और मुझे अपने वार्ड की जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। हमारे मुद्दे ये है भाई, हमारे गांव का कोई विकास नहीं हुआ है। सबसे मेन मुद्दा हमारा है गांव के सीसी रोड कराना और नालियों की सफाई व्यवस्था कराना, स्ट्रीट लाइटें लगवाना और बच्चों के लिए एक पार्क बनवाना खेलने कूदने वाला और एक खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम बनवाना। चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि 11 तारीख को आने वाले चुनाव में सारे किले सभी घूम के किसी के बहकावे में ना आके कोई भी अफवाह ना उसको करके सारे किले सभी भूल जाएं इस समय और एक ही मुद्दा याद रखें कि हमें इस बार अपने गांव का सभासद बनाना है गोविंदापुर से, तो मोटर के साइकिल के सामने वाला बटन दबाना है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।